नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डेडिकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन यूके SSSC द्वारा जारी किया गया है संवाद 66 के रूप में। और ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन किस विषय में है, तो दोस्तों जो आपकी तीन परीक्षाएं होनी थी, जिनका नाम है आपका सहायक कृषि अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता सिविल और साथ साथ में पशुधन प्रसार अधिकारी, तो इनकी जो आपकी ऑनलाइन परीक्षा होनी थी, कंप्यूटर बेस्ड जो आपका टेस्ट होना था, इसकी तिथि अब यहां पर आयोग द्वारा निर्धारित कर दी गई है। और आपका ये पूरा परीक्षा कार्यक्रम 19 तारीख से लेकर और 23 तारीख के मध्य में यहां पर संपन्न किया जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको यहां पर डेट वाइज बता देता हूं कि इन तीनों एग्जाम्स को आयोग के द्वारा कंडक्ट कौन कौन से डेट में करवाया जाएगा। तो दोस्तों, पहला पद कोड आप यहां पर देख रहे हैं, यह है आपका सहायक कृषि अधिकारी। इसका पेपर आपका जो होना है 19 तारीख को होना है, 19 दिसंबर 2020 को, और प्रथम पाली यानी कि 9:30 बजे से लेकर और 11:30 बजे के मध्य में इसका आपका पेपर होगा। इसके अलावा दोस्तों, सेकेंड शिफ्ट में डाला गया है कनिष्ठ अभियंता सिविल का पेपर, और ये आपका 19 तारीख को द्वितीय पाली और 20 तारीख की दोनों पालियों में ये पेपर आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जो आपका तीसरा पेपर है, ये है आपका पशुधन प्रसार अधिकारी। ये आपका 21 तारीख से लेकर और 23 तारीख के बीच में चलेगा और दोनों शिफ्ट में यहाँ पर ये पेपर रखा गया है। और दोस्तों, 3-4 दिन के अंतर्गत सभी अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र भी ऑनलाइन उपलब्ध आयोग की तरफ से करवा दिए जाएंगे। तो दोस्तों, ये लेटेस्ट अपडेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। इसके अलावा दोस्तों, साथ साथ में आयोग यहाँ पर और क्या कह रहा है, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर लिख भी रहा है कि इसके साथ ही अभ्यर्थियों को ऑनलाइन परीक्षा देने में कोई कठिनाई न हो, इस दृष्टि से आयोग द्वारा एक प्रशिक्षण वीडियो, एक मॉक टेस्ट तथा ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए गाइडलाइन भी जारी की जा रही है। यह सामग्री भी दिनांक 11/12/2020 तक अभ्यर्थियों के उपयोगार्थ जारी कर दी जाएगी, जिससे अभ्यर्थी इसे डाउनलोड कर ऑनलाइन परीक्षाओं का प्रशिक्षण भी ले सकेंगे। तो दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, जो पहली बार भी ऑनलाइन टेस्ट दे रहा है तो उनके लिए भी यहां पर आयोग के द्वारा एक वीडियो, एक मॉक टेस्ट और ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए गाइडलाइन भी आयोग की तरफ से यहां पर जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, आयोग द्वारा ऑनलाइन परीक्षाएं पहली बार प्रारंभ की जा रही हैं, अतः कृपया इस प्रशिक्षण सामग्री का अधिकतम उपयोग करें एवं प्रवेश पत्र में अपनी शिफ्ट व परीक्षा केंद्र को ढंग से जांच लें, क्योंकि यह परीक्षा विद्यालयों के बजाय इंजीनियरिंग संस्थाओं तथा कंप्यूटर केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। और दोस्तों, यहाँ पर साथ साथ में आयोग लिख भी रहा है कि परीक्षा केंद्रों को एक दिन पूर्व चेक करना भी उचित होगा। तो दोस्तों, जो भी आपका एग्जाम सेंटर पड़ता है, तो आयोग यहाँ पर स्पष्टीकरण दे रहा है कि आपको वहाँ एक दिन पहले उस सेंटर को देख लेना चाहिए, ताकि आप अगले दिन वहाँ पर इजिली पहुँच सकें। और दोस्तों, साथ ही साथ डेडिकेशन हब की तरफ से भी जिनके भी ये पेपर्स हैं, तो उनको हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। और दोस्तों, पहली बार ऑनलाइन एग्जाम UK SSSC द्वारा कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो क्या इसका रिस्पॉन्स रहता है, ये भी इन पेपर्स के बाद हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये था अभी लेटेस्ट अपडेट जो था संवाद 66 के माध्यम से आयोग द्वारा दिया गया। तो दोस्तों, आगे भी उत्तराखंड से जुड़ी सभी छोटी बड़ी जानकारी के लिए जुड़े रहें डेडिकेशन हब के साथ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, खुश रहें और मेहनत करते रहें।